हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं और आपकी वेबसाइट पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं आ रहा तो ये वीडियो देखते रहे फ्रेंड। इस वीडियो में एक सारी वेबसाइट का केस स्टडी वीडियो लेके आया हूँ, कैसे वेबसाइट पर लाखों का ट्रैफिक आ रहा है पर मंथ। मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कौन सा कीवर्ड रैंक है। अगर आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो ये एक मोटिवेशनल वीडियो है, जिससे कि आपको एक आइडिया मिलने वाला है कैसे हम ट्रैफिक ला सकते हैं, क्या ऑर्गेनिक है या फिर कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर हम ब्राउज़र में जाते हैं और लिखते हैं, देखिए यहाँ पर टाइप कर रहे हैं हनुमान जी स्टेटस, ठीक है, या फिर हनुमान स्टेटस, कोई भी एक कीवर्ड सर्च कर सकते हो आप। अब यहाँ पर सर्च करने के बाद आप खुद ही ट्राई कर सकते हो कौन से कीवर्ड पे क्या रैंक कर रहा है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर पे ही आ रहा है हनुमान जी स्टेटस, या फिर मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ केवल हनुमान स्टेटस, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी वीडियो आ रहा है, वीडियो के बाद से फर्स्ट पे यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ रहा है और इस वेबसाइट का यहाँ पर इमेज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए बेस्ट 100 प्लस हनुमान जी स्टेटस इन हिंदी। अब यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये वेबसाइट आप देख सकते हो मेरे पास ओपन हो गया, लॉगिन भी है और इस वेबसाइट पे काफ़ी अच्छा ट्रैफिक है। कुछ वेबसाइट आप देख सकते हो, कुछ वर्डप्रेस पे बना है, न्यूज़पेपर थीम लगा है। अभी ये वेबसाइट जस्ट माइग्रेट हुआ है ब्लॉगर टू वर्डप्रेस पे, मैं सोचा कि आपको बताऊं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी वेबसाइट ब्लॉगर पे है तो ट्रैफिक नहीं आ रहा है, या फिर हमें कैसे वर्क करना चाहिए, हमारे पास सोशल मीडिया का फैन फॉलोअर नहीं इसलिए ट्रैफिक नहीं है, ये गलत सोच रहे हैं। और काफ़ी यूज़र बोलते हैं सर ट्रैफिक नहीं आ रहा, निराश हो जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद से अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आप मोटिवेट होने वाले हैं और आप भी अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ट्रैफिक ला सकते हैं अगर आप अच्छे से वर्क करेंगे तो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं बात करूँ फ्रेंड, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चाहते हैं ऐसे ही केस स्टडी वीडियो लाता रहूँ जिसका लाइव प्रूफ लाइव लॉगिन करके मैं आपको दिखाऊँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा ताकि ऐसे ही केस स्टडी वीडियो लाता रहूँ। अगर आपकी वेबसाइट हेल्थ से रिलेटेड है, न्यूज़ वेबसाइट है या फिर टेक्नोलॉजी वेबसाइट है, आइडिया ले सकते हैं कि कैसे आपको ट्रैफिक लाना है, ठीक है। तो ये वेबसाइट का गूगल एनालिटिक ओपन आप देख सकते हो, यही वेबसाइट है व्हाट्सएप स्टेटस मार्केट .com और यहाँ पे वही वेबसाइट है, ठीक है। इसका आप देख सकते हो राइट नाउ यूजर, अभी आप देख सकते हो 46 चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो राइट नाउ यूजर दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट 7 डे का अगर आप डाटा चेक करोगे यहाँ पे यूजर का, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 45K प्लस यहाँ पे यूजर आए हैं। लास्ट 28 डे का डाटा मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। थोड़ा सा ट्रैफिक डाउन हुआ है लास्ट 7 डे में, क्योंकि अभी ये ब्लॉगर टू वर्डप्रेस पे माइग्रेट हुआ है। तो अगर आप सोच रहे हैं ब्लॉगर पे ट्रैफिक नहीं आता है, ये वर्डप्रेस पे है, तो गलत है, क्योंकि अभी जस्ट माइग्रेट हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लॉगर का भी दिखाऊंगा कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, ये सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो के साथ बने रहना। तो अभी राइट नाउ यूजर आप देख सकते हो ये 60-70-100 रख भी जाता है, अभी सुबह का टाइम है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ये आ रहा है। और कौन से पोस्ट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको ट्रैफिक सोर्स भी दिखाऊंगा, कंटेंट भी दिखाऊंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे। यहाँ पर देखिए, ओके, तो आप देख सकते हो कि कौन से पोस्ट पे यहाँ पे बदमाशी स्टेटस 2021, फिर 7 यूजर हैं, फिर साईं बाबा पे आप देख सकते हो सुबह में। तो अगर आप ऐसे काम करते हैं तो ट्रैफिक आने वाला है ये सब। अब देखिए सारा यूजर यहाँ पर आप देख सकते हो 92% मोबाइल से है। ट्रैफिक सोर्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए सारा ये देखिए गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप देख सकते हो 42% डायरेक्ट, जो गूगल को नहीं पता है नॉन दिखा रहा है। यहाँ पे 5 यूजर है, 42 यूजर आपको ऑर्गेनिक है गूगल से। अब आप कीवर्ड भी देख सकते हो, कीवर्ड यहाँ पे कंटेंट देख लेते हैं। ये देखिए आप कंटेंट आप देख सकते हो कौन से कीवर्ड पे कितना यूजर आ रहे हैं, ठीक है। मोटिवेशनल के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, आपका कोई भी कंटेंट हो सकता है, किसी भी कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये सोच रहे हैं वेबसाइट 10 साल पुरानी होगी तो ऐसा नहीं, आप जा करके आप डोमेन एज चेकर में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। बस कंटेंट को आपको आइडिया होना चाहिए कैसे लिखना है, कौन से कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। इससे पहले मैं सारी की वेबसाइट का आपको बताया था, गुड मॉर्निंग जो है या फिर सुप्रभात है, मिलियन का ट्रैफिक सर्च है, लेकिन कंपटीशन बिल्कुल 5-4 है, मिलियन का सर्च होता है वहाँ पर। अभी तो ये बात हो गया, एनालिटिक आपको दिखा दिए, पूरा डाटा दिखा दिए, आप देख सकते हो यहाँ पर ऑर्गेनिक सर्च से 7.1K यानी कि 7000 से भी ज़्यादा यूज़र ऑर्गेनिक आ रहे हैं। उसके बाद से डायरेक्ट आ रहे हैं 835 दिखा रहा है यहाँ पर, सोशल मीडिया से बिल्कुल भी नहीं आ रहे। तो यानी कि ये वेबसाइट पे केवल ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ये वेबसाइट ज़्यादा दिन पुरानी नहीं है फ्रेंड, करीब 1-1.5 साल हुआ। आपको पता होगा अपने चैनल पर मैं एक वीडियो बनाया था सारी वेबसाइट्स को लेकर के। अगर आप यहाँ पर वीडियो पर आकर क्लिक करेंगे, ऑल हिंदी में चैनल पर जाएंगे, वीडियो पर सायरी, ठीक है। अब सायरी से रिलेटेड 1 मंथ वेबसाइट का देखिए, 1 मंथ वेबसाइट
1,00,000 का ट्रैफिक रिपोर्ट मैं आपको एक साल पहले शेयर किया था। अब शायरी वेबसाइट कैसे बनाए, शायरी से रिलेटेड लो कंपटीशन कीवर्ड हम यहाँ पर सर्च किए, अगर आप देखेंगे तो आपको बेस्ट आइडिया मिलने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अब बात करते हैं कीवर्ड भी, मैं आपको दिखा दिया हूँ कौन कौन से कीवर्ड पर रैंक है। अगर आप गूगल में टाइप करेंगे तो आप मिल जाएगा हनुमान जी स्टेटस, आप जाके वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं अगर आप शायरी से रिलेटेड वेबसाइट बनाने वाले हैं तो कैसे आप वर्क करेंगे। और देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ गूगल, ठीक है। अभी मैं ब्लॉगर भी लॉगिन करूंगा और दिखाऊंगा, जस्ट माइग्रेट हुआ है ब्लॉगर टू वर्डप्रेस पे। 100 पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें से कुछ पोस्ट डिलीट किए गए हैं जो कि बिना काम का था। डाटा मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, एक आइडिया इसलिए दे रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो कैसे, जो लोग बोलते हैं शायरी की वेबसाइट ग्रो नहीं कर रही है, तो आप देख सकते हो आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह के कुछ कैसे ग्रो हुए, क्लिक आ रहे हैं, जो भी क्लिक आ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू में करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ओपन रिपोर्ट करके। अब यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट 3 मंथ का है, लास्ट 28 डे का ही डाटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे कि आपको बेस्ट आइडिया मिलेगा। अब देखिए 5.62 मिलियन यहाँ पर इम्प्रेशन आए, यानी कि दिखे हैं, और क्लिक आप देख सकते हो 1,96,000, करीब 2,00,000 इसको मान लो कि क्लिक आए हैं। और आप देख सकते हो कौन से क्यूरी, यानी कि जो कीवर्ड है टॉप क्यूरी जो कीवर्ड है, आप देख सकते हो यहाँ पर बदमाशी स्टेटस, बदमाशी शायरी, बदमाशी से रिलेटेड, ठीक है। ये सारे कीवर्ड पे आप देख सकते हो कैसे क्लिक आ रहे हैं। लास्ट अपडेट आप देख सकते हो 5 घंटा पहले का ये अपडेट है। तो ये आप एक आइडिया लगा सकते हो कि कैसे यूजर, कंट्री इंडिया से ही होगा, ज़्यादातर इंडिया से है, नेपाल, यूनाइटेड स्टेट से भी कुछ क्यूरी आ रहे हैं, ठीक है। अब डिवाइस में आप देख सकते हो सबसे पहले ज़्यादा जो क्लिक आए हैं मोबाइल से हैं। तो ये आप डाटा अगर आप देख रहे हो, ये देखो। तो बात करते हैं कि ये वेबसाइट कितनी दिन पुरानी है और कितना ट्रैफिक है। तो एक हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे डोमेन, डोमेन एज चेकर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि डोमेन कितना दिन पुरानी है। आई थिंक देखते हैं डाटा फाइंड कर रहा है कि नहीं। फिर आपको ये कॉपी कर लेते हैं इसका URL, सब कुछ आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपको मोटिवेट करने वाले हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि देखिए सारा ऑर्गेनिक है, कैसे कीवर्ड रैंक कर रहा है, कैसे वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल सोशल मीडिया का एक भी ट्रैफिक नहीं है, या फिर अगर आप ये सोच रहे हैं ये एक क्लाइंट की ही वेबसाइट है जो कि बनाए थे हम और आज ट्रैफिक आ रहा है, रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हो डोमेन 1 year 6 month हो गए हैं, ठीक है, और 9 days डोमेन का आप देख सकते हो यही है। और कब ये क्रिएट किया गया था आप देख सकते हो 2019 में, तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, यानी 15-16 महीने हुए हैं। और ये वेबसाइट आप देख सकते हो कैसे मिलियन का इम्प्रेशन आ रहा है, 2,00,000 से ज़्यादा ट्रैफिक ला रही है। तो अगर आप सोच रहे हैं, मैं आपको बोलता हूँ अगर आप 1 साल अच्छे से वर्क करेंगे, 1 से 1.5 साल में आपकी वेबसाइट पर 2,00,000 का ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इस वेबसाइट का फर्स्ट पेमेंट मिल गया अगर आप ये, हाँ फर्स्ट पेमेंट आने में 7 से 8 मंथ लग गए हैं। अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बना दूंगा एडसेंस का भी, अगर आप लोग कमेंट करते हैं एडसेंस का वीडियो बनाइए तो मैं इसका एडसेंस का भी वीडियो बना दूंगा, सारा डिटेल अपने पास है। तो डोमेन मैं आपको दिखा दिया हूँ, गूगल सर्च कंसोल मैं आपको दिखा दिया हूँ, जो भी कीवर्ड यहाँ पर रैंक है वो भी मैं आपको दिखा दिया हूँ। अब बात करते हैं कैसे आपको काम करना है। जैसे कि यहाँ पर सॉरी स्टेटस है, इस कीवर्ड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और जाते हैं। HRF टूल आपके पास होना चाहिए, SEO टूल लाडा से मैं यूज करता हूँ, जो कि मैं आपको बताया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्ट परचेज करके आप कीवर्ड वगैरह फाइंड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं लॉगिन करके फिर मैं इस कीवर्ड को सर्च करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लॉगिन है और कीवर्ड एक्सप्लोर पे मैं जाता हूँ, तो कैसे आपको फाइंड करना है वो मैं आपको बताऊँगा। अभी मैं आपको बताऊँगा सुप्रभात पे क्या आ रहा है अभी आज के टाइम में, कुछ दिन पहले मैं चेक किया था और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। अभी देखिए ये कंपटीशन बिल्कुल ईजी है और आपको रैंक कराने के सिर्फ 2 backlinks चाहिए और 3,000 का ट्रैफिक है और क्लिक पूरा ऑर्गेनिक ही आ रहे हैं, ऑर्गेनिक सर्च से ही आ रहे हैं। आप देख सकते हो ऑर्गेनिक क्लिक आप देख सकते हो 48% है। तो यहाँ से आपको कीवर्ड मिल जाएंगे अगर आप चाहते हो मैचिंग टर्म में, और यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड आपको मिल जाएंगे, यहाँ पेरेंट टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप देख सकते हो बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएंगे अगर आप हिंदी शायरी सर्च करते हो। ये देखिए जिनकी भी वेबसाइट है यहाँ पर देखिए कीवर्ड आ रहे हैं, मतलब जिनकी भी वेबसाइट है उनके पास कोई सोशल मीडिया का यहाँ पर फॉलोअर नहीं है
और कोई भी कुछ नहीं है यहाँ पर, सॉरी एडसेंस। तो ये देखिए कीवर्ड आ रहे हैं, आप यहाँ पे कंपटीशन वगैरह फाइंड कर सकते हैं। एक मेरे पास कीवर्ड है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा यहाँ पे, मैं कीवर्ड को थोड़ा सा फाइंड करता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं कीवर्ड सर्च किया हूँ सुप्रभात से, मतलब कि अगर आपकी शायरी वेबसाइट है तो ये काफ़ी सर्च किए जाते हैं कीवर्ड। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कंपटीशन में जाता हूँ, कीवर्ड एक्सप्लोरर में जाता हूँ, फिर कंपटीशन आपको दिखाते हैं, सर्च करते हैं, फिर आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कैसे आपको वर्क करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या सर्च हो। अभी यहाँ पर देखिए सुप्रभात से रिलेटेड जीरो कंपटीशन है, इमेज आप देख सकते हो जीरो कंपटीशन है, यहाँ पर आप देखिए क्रेडिट जीरो है, 4.3 के ग्लोबल पूरा सर्च है। तो सीपीसी थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आपको ट्रैफिक टारगेट करना है तो कुछ ऐसे कीवर्ड फाइंड करके, देखिए जीरो कंपटीशन है मतलब कि टॉप 10 में लाने के लिए आपको एक भी बैकलिंक्स नहीं चाहिए, फिर भी आप रैंक करा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि आप देख सकते हो इससे रिलेटेड यहाँ पर कीवर्ड मिल जा रहा है, और जो वेबसाइट रैंक है आप इस पर काम कर सकते हो। अभी आप कुछ वेबसाइट का यहाँ पर DAP आप देख सकते हो कि DA तो काफ़ी अच्छा है, रेटिंग काफ़ी इन लोग का अच्छा है। और यहाँ पर देखिए ये जो वेबसाइट रैंक हो रही है सिर्फ एक डोमेन रेटिंग है, और URL रेटिंग आप देख सकते हो 6 है। तो इसमें अगर आप चाहो तो काम कर सकते हो। ऐसे आपको कीवर्ड फाइंड करना है, ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दो फिर आप बोलोगे कि सर रैंक नहीं कर रहा है, 6 मंथ से हम काम कर रहे हैं और रैंक नहीं कर रहा है वेबसाइट, काफ़ी दिक्कत हो रही है। अब मैं आपको ब्लॉगर का ऐसे कीवर्ड आपको फाइंड करना है, और ब्लॉगर का मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाँ ये वेबसाइट ब्लॉगर टू वर्डप्रेस पे जस्ट माइग्रेट हुआ है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर पोस्ट पे, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट पे ये देखिए व्हाट्सएप स्टेटस मार्केट .com ये वेबसाइट थी, ये सारे पोस्ट हैं, और आप देख ये 100 पोस्ट को माइग्रेट किया गया है, इसमें से डिलीट करके 100 पोस्ट। तो एक आइडिया आपको मिल गया होगा कैसे यूज़र ब्लॉगर पे भी ट्रैफिक ला सकते हैं, और लाखों का ट्रैफिक ला कर। देखिए यहाँ पे कल थोड़ा बहुत पेज भी हुआ था, आज एकदम कम हो गया, मगर सारा डाटा माइग्रेट हो गए हैं, और अभी ये ओपन हो रहे हैं पूरा, मतलब कि आप देख सकते हो यहाँ पर लास्ट मंथ में आप देख सकते हो यहाँ पे पेज व्यू जो आया था, और यहाँ पे ऑल टाइम का पेज व्यू आप देख सकते हो, एक आइडिया लगा सकते हो। ये सारे पोस्ट आप देख सकते हो रैंक हो रहा है, हनुमान जी का देखिए 1 पे रैंक हो रहा है, आप देख सकते हो ना। तो एक आइडिया लगा सकते, और आपको अगर आपकी वेबसाइट माइग्रेशन में दिक्कत हो रही है, देखिए ओपन करेंगे वर्डप्रेस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, या फिर अगर आप गूगल में ये कीवर्ड सर्च करते हैं ओपन करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर माइग्रेशन में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट करेंगे, मैं वीडियो बना दूंगा। हालांकि ब्लॉगर टू माइग्रेशन में आपको सिखाया था तो कोई एरर नहीं आएंगे, आपका वीडियो हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड भी आ रहे हैं, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पर एक ही स्पेस है तो यहाँ पर भी ऐड आएंगे। तो इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो आपकी वेबसाइट पर रैंक हो जाएगी, कि समझना होगा कि कैसे आपको काम करना है। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ मैं पूरा एनालिटिक गूगल सर्च कंसोल या फिर लाइव यूजर ट्रैफिक सोर्स सब कुछ दिखाया कि ब्लॉगर टू वर्डप्रेस पे माइग्रेट हुआ है। ऐसे केस स्टडी वीडियो लाने के लिए अगर चाहते हैं ऐसे ही लाऊं टेक वेबसाइट का, तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट करेंगे तभी मैं वीडियो लाऊंगा। तो चीज़ों को समझना होगा और सीखना होगा, ऐसे नहीं कि अगर आप कोर्स के पीछे भागेंगे, या फिर अगर आप सोचेंगे कोर्स है तो कोई कोर्स नहीं है। अभी जिनकी भी वेबसाइट है उनको क्रेडिट जाता है, और उन मतलब ये इनके पास बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मोबाइल से ब्लॉगिंग करते हैं, और बिल्कुल भी इससे पहले ब्लॉगर पे बनाए थे और ट्रैफिक पेमेंट वगैरह आया, तो अभी ये वर्डप्रेस पे माइग्रेट कर रहे हैं और ट्रैफिक आ रहा है। माइग्रेट वर्डप्रेस पे थोड़ा सा बेस्ट होता है और भी अच्छा काम कर पाएंगे। तो इस तरह से आप काम करके ट्रैफिक ला सकते हो। अब आपको कीवर्ड फाइंड करना होगा, कंपटीशन क्या है, कंपटीशन आप फाइंड कर लेंगे तो उसके हिसाब से आप वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं, ठीक है। तो बस ये शायरी वेबसाइट का केस स्टडी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। शायरी से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो पे आकर के सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए शायरी, तो बहुत सारे मेरे ही वीडियो मिल जाएंगे जो कि मिलियन का ट्रैफिक का मैं वीडियो बनाया हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड।